हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेलिंग के बारे में, जो ये 74 पेजेस का जो आपका नोटिफिकेशन है, इसमें रूल एंड रेगुलेशन क्या बताए गए हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वैसा ही रखा गया है जैसे गुजरात में रखा गया था कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे सीट्स कितने हैं और उसमें रिजर्वेशंस कितने हैं। चौथी चीज़ यहाँ की फ़ीस कितनी है और स्टाइपन अगर मिलता है तो कितना है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कौन से कोर्स अवेलेबल हैं जो इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। इसके अलावा भी ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो सीट छोड़ता है तो उसको बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा अगर वो कॉलेज छोड़ता है हिमाचल की। तो ये सारे चीज़ों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके, जो ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। राउंड्स कौन से होंगे, कब से कब तक रहेगा, उसका शेड्यूल क्या है, फर्स्ट राउंड कब होगी, सेकेंड राउंड कब होगी, थर्ड राउंड क्या होगी, ये पूरे इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो वही एक एक करके अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो काउंसलिंग होने वाली हिमाचल प्रदेश की, वो आपके मेनली तीन कॉलेजेस यहाँ पे आपके इंक्लूडेड हैं। पहला आपका राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके अलावा सीवा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और आपका है अभिलाषी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ के लिए मेनली जो है ये काउंसलिंग आपका जो है कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये कॉलेजेस के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो है फ़ीस यहाँ पे दिया गया है, तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो 2200 रुपये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जबकि आपका ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट राउंड, अब सबसे पहले बात तो रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ीस वगैरह ये जो पेमेंट है वो कब से कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो 12/9/2024 से 6/9/2024 तक आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ जाएगी, तो 8/9/2024 को आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बात करें फर्स्ट राउंड की, जो बात करें डिस्प्ले हो जाएगा फाइनल जनरल कंबाइंड जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो 20/9/2024 को देखने को मिलेगा। फिर फर्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 20/9/2024 से। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो आप कब से कब तक कर सकते हो, तो 21/9/2024 से लेकर के 23/9/2024 तक फर्स्ट राउंड के लिए आप हिमाचल प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग। इसके अलावा प्रोविजनल जो आपका अलॉटमेंट जो है फर्स्ट राउंड का, वो कब आपको देखने को मिलेगा, तो 25/9/2024 को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनल जो अलॉटमेंट है वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो फाइनल जो डिस्प्ले होगा अलॉटमेंट वो आपको 27/9/2024 को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 27/9/2024 को आपको जो है फाइनल जो डिस्प्ले है, ठीक है, अलॉटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेट ऑफ रिपोर्टिंग कब है, यानी कि किसी को अगर सीट अलॉट हो गया है तो फर्स्ट राउंड के लिए जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग कब रखा गया है, तो आप जो है 30/9/2024 से लेकर के 1/10/2024 तक जो है जा करके आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग है उसके लिए जो है आपको डिस्प्ले कब हो जाएगा, वैकेंसी राउंड सेकेंड राउंड के लिए, तो आपको 3/10/2024 को हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उन लोग को यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, लेकिन जिन लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं फर्स्ट राउंड में उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये यहाँ पे बोला गया है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 3/10/2024 से लेकर के 4/10/2024 है। फिर इसके बाद में सेकेंड राउंड में जो सीट्स हैं वो कब आपको दिखाई देंगी, ठीक है, तो वो आपको 7/10/2024 को दिखाई देगी कि जो सीट्स बच गई हैं जिसके ऊपर आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हो उन सीट्स के ऊपर, तो आप जो है 9/10/2024 से लेकर के 10/10/2024 तक कर सकते हो। ठीक है, तो 9 से लेकर के 10 तारीख तक जो है जो भी आपको सेकेंड राउंड में सीट्स शो अप हो रही हैं, ठीक है, उसको आप जो है उसको चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो सेकेंड राउंड है उसकी अलॉटमेंट कब आपको देखने को मिलेगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट वो 14/10/2024 को देखने को मिलेगी, और फाइनल जो अलॉटमेंट है
वो आपको 15/10/2024 को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपको कोर्स में एडमिशन अगर मिल गए हैं, वहाँ पे अलॉटेड हो गए हैं, तो वहाँ जा कर के आप कब से कब तक रिपोर्टिंग कर सकते हो, तो 16/10/2024 से लेकर के 18/10/2024 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इसके बाद में थर्ड राउंड के लिए आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन लोग जो है थर्ड राउंड के लिए 21/10/2024 से लेकर के 22/10/2024 तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको सिर्फ थर्ड राउंड में ही चांसेस लग रहे हैं, जैसे कि किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में उसको लगा था कि उसको नहीं मिलेगा तो उसने नहीं कराया, सेकेंड राउंड में भी उसको नहीं लगा कि नहीं मिलेगा तो नहीं कराया, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में उसको लग रहा है कि हाँ कुछ सीट बच गई होंगी तो उसमें उसको एडमिशन लेना चाहिए, तो उसके लिए वो जो है करा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको वही है कि फ़ीस वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कराया है तो आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, नहीं सेकेंड राउंड में आपने कराया है तो भी आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका डेट बताया गया है। अगर आप थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो 21/10/2024 से 22/10/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके बाद में आपका थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो कब दिखाई देगी, तो थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो 24/10/2024 को आपको दिखाई देगी साइट के ऊपर। उसके बाद में चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए तो 26/10/2024 से 27/10/2024 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है वो 29/10/2024 को देखने को मिलेगा, और फाइनल जो अलॉटमेंट है थर्ड राउंड का वो 4/11/2024 को देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग कब है, तो थर्ड राउंड के लिए आप 5/11 से लेकर के 6/11/2024 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, 6 से 5 के बीच में, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका बताया गया है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है, क्या क्या डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन चले जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, और बॉन्ड के बाद में कॉलेज में कितने कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है, और कितनी कितनी उसकी सीट्स हैं, वो सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वहाँ कितनी सीट्स हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% सीट तो उन्होंने EEEC को दे दी है, तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कोई 15% के लिए काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने 15% की जो सीट है वो इन्होंने दे दिया है, ठीक है, EEEC में, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी वो क्या है आपका, जो 85% सीट है उसके लिए होगी, स्टेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट हैं वो 44 हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हो स्टेट कोटा की ही पूरी सीट है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट थी वो यहाँ पे आपके दिखा दी गई हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो ब्रांच है, ठीक है, वहाँ एडमिशन ले रहे हो वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही है सारी चीज़ें तो वही लिखेगी, ऑल इंडिया कोटा के 15% जो सीट हैं वो जो है आपके 8 सीट हैं, ठीक है, वो फिल होंगे ऑल इंडिया के थ्रू ही, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ सारे मेंशन किया गया है। अपन आ जाते हैं यहाँ पे और सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे आपका दिखाया गया है, तो इसका भी आप ले सकते हो, ठीक है। कि अगर आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संहिता एवं सिद्धांत में चाहते हो, आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो उस कंडीशन में जनरल के लिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे कौन ऐसे जो AMO हैं, ठीक है। अगर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं तो जनरल के लिए 2 हैं, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो BAMS पास हैं उनके लिए भी 2 हैं। इसी टाइप से आप देख सकते हो अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो द्रव्य गुण के लिए यहाँ पे 1 सीट रिजर्व है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन भी यहाँ पे शो अप किया गया है। हम आ जाते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताई गई है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे आपका दिया गया है एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है फॉर एडमिशन, क्या बोला गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल एंड प्रोसेस फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन ऑफ सीकिंग एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन MSMD कोर्स। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये है कि 31 जुलाई
को आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, जो NCISM के अनुसार जो रूल था, ये पहला आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप EEEE में भी फॉलो करते हो। दूसरा ये है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल बोर्ड। तो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड है उससे अगर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, अगर आप स्टेट की 85% सीट के लिए कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे आपका सीट जो है वो आपका रिजर्व रहती है, ठीक है, और 5 साल से अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 5 साल हो गए हैं, ठीक है, तो उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दे लाए हैं और ऊपर के क्वालिफिकेशंस वगैरह वो फॉलोअप कर रहे हैं, तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन PG कोर्स इट शैल बी नेसेसरी फॉर ए, देखो यहाँ पे उनको क्या है, NOC लेना पड़ेगा, जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिन लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं PG कोर्स में, सॉरी, तो उन लोग को क्या है, NOC लेना पड़ेगा, कहाँ से, जिस संस्था में उन लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से, तभी जा करके वो एडमिशन के लिए वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे PG के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में आपका बताया गया है कि वही कि है, PGT में 50% आपका होना चाहिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस द मिनिमम सेल भी 40%, वही है, तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 40% AIPGT में पाया हो तो एलिजिबल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और बाकी तो चीज़ें यहाँ पे है, और ये लास्ट है कि ओनली बोनाफाइड हिमाचल आयुर्वेदिक ग्रेजुएट एंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आर एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय द NCISM न्यू दिल्ली एलिजिबल फॉर डायरेक्ट कोटा। तो यानी कि सबसे पहले बात तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डोमिसाइल है, बोनाफाइड है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, उन लोग जो है एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका 85% कोटा के लिए, और प्राइवेट जो कोटा है, ठीक है, उसके लिए अदर जो कैंडिडेट हैं उन लोग भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर एकदम सीधा मैंशन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर आपने इंडिया में ही कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना जो है UG कंप्लीट किया है तो 15% सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, जो ऑल इंडिया कोटा की रहती है प्राइवेट कॉलेजेस उसके लिए, बाकी आपके 85% कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं की है, बट वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, तो मतलब सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए आपका लगेगा और बाकी डोमिसाइल तो आपको स्टेट कोटा के लिए लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना भी चाहोगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बाकी आपको ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो 15% सीट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अदर स्टेट के हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, कितना क्या है। अब इन केस अगर आप यहाँ के कॉलेज को छोड़ते हो, आपको एडमिशन मिल गया है, आपने एडमिशन करा लिए और उस कंडीशन में आप जो है एडमिशन को छोड़ते हो, तो उस कंडीशन में कितना रुपया आपको पे करना पड़ेगा, वो चीज़ भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। बॉन्ड कितना है इन केस अगर आप कॉलेज को छोड़ते हो तो, ठीक है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका, एक मिनट, बॉन्ड का मैं निकाल लेता हूँ सीधा। ये देखो बॉन्ड, ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इन सर्विस कंडीशन सेल हैव बी एक्सक्लूडेड ए बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू बी एक्सटेंडेड फॉर ए, वही है कि 10 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो सीट है, ठीक है, उसको आप छोड़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो बॉन्ड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कितना है, 10 लाख रुपए है बॉन्ड, ठीक है, अगर आप सीट को छोड़ते हो तो, अगर आपने एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग वगैरह की, ठीक है, आपने पूरे वहाँ एडमिशन कंप्लीट करा लिया, अभी किसी कारणवश अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में 10 लाख का यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा, लिखा हुआ है साफ साफ, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अब प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे 15% के लिए बाकी जो बच्चे हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फीस भी वही बताया गया है कि फ़ीस जो है वो 40,500 है, ठीक है, और वही है कॉलेज फ़ीस वगैरह 35,500 है, ऐसा समथिंग कुछ
अच्छा सॉरी, फर्स्ट ईयर की जो फीस है ठीक है वो आपका 40,500 है, सेकंड ईयर की 35,500 है, और थर्ड ईयर की जो है आपका जो फीस है वो कितना है आपका 34,500 है। ठीक है, तो ये जो है आपका फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट का भी अपन फीस यहाँ पे जो ऑफिशियली मेंशन किया गया है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कितना क्या है जो दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए, उनकी सीट रिजर्वेशन वगैरह कितनी है वो भी यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधा पेज के ऊपर अपन आते हैं, एक मिनट। एक ही मिनट हाँ, तो यहाँ पे अपन उस पेज के ऊपर आ गए कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं ठीक है वहाँ की फीस वगैरह क्या है उसके लिए, और वहाँ रिजर्वेशन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यह है आपका पहला, तो ठीक है पहला जो कॉलेज है वो कौन सा है, तो पहला जो कॉलेज है वो है आपका शिवा आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर। ठीक है, यहाँ पे आपका बात करें पीजी की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, टोटल 12 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत की 5 है, क्रिया की 2 है, रस शास्त्र की 5 हैं। ठीक है, तो टोटल 12 हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए आपका जो सीट है वो आपका कितना है, एक एक सीट है। ठीक है, आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए एक एक सीट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, वो आपका उसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनको चाहिए तो, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इनका फीस कितना है, ठीक है कितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो भी अपन देख लेते हैं, और बाकी रिजर्वेशन भी है अगर आप AA में हो तो उसके लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अदर के लिए। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फीस कितना है, तो देखो MD कोर्स के लिए 3 लाख रुपए है। ठीक है, स्टाइपन आपको 5,000 रुपये प्रोवाइड की जाएगी, फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो 3 लाख रुपये आपका फीस है, 5,000 रुपये आपको स्टाइपन प्रोवाइड की जाएगी अगर आप एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, ये आपका इसके लिए है। ठीक है, सिवा के लिए। अब नेक्स्ट जो कॉलेज था वो कौन था, अभिलाषा आयुर्वेदा कॉलेज, उसका भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, कि उसका फीस कितना है, उसमें कौन से सीट्स हैं उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट हाँ, तो ये है आपका अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें तो टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी बताई गई हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो टोटल जो सीट हैं, देखो तो फीस स्ट्रक्चर, ठीक है ये चीज़ है फीस स्ट्रक्चर, नीचे में दिया गया सीट एडमिशन, ये है सीट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कुमार वृत्ति की 4 सीट है, काय चिकित्सक की 4 सीट है। ठीक है, टोटल सीट 8 है, इसमें ऑल इंडिया कोटा की सिर्फ काय चिकित्सा की है जो 1 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट, तो ये आपका रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपके शो अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके सीट्स हैं। बात कर लेते हैं फीस कितना है यहाँ पे, तो फीस जो है वो अपन देख लेते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, काय चिकित्सा के लिए कितना है, तो 6 लाख रुपये है। ठीक है, और कुमारी वृत्ति के लिए भी 6 लाख रुपए हैं। 10,000 रुपये आपको क्या है जो कोटेशन मनी है, ठीक है वो आपको देना पड़ेगा एक टाइम के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है पूरी चीज़ें। ओके, तो जो भी डिटेलिंग था जो मेरे हिसाब से लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, और बाकी राउंड वाइज जो नोटिफिकेशन है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, जैसे ऐसे बाकी अदर स्टेट की भी काउंसलिंग आती रहेगी तो चैनल के ऊपर बने रहना, सब्सक्राइब कर लिया रहना, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना है ठीक है, या फिर मेरे से पर्सनली आपको बात करनी है, काउंसलिंग गाइडलाइंस लेनी है, ठीक है चाहे आपको अदर स्टेट के हो स्टेट काउंसलिंग के लिए, या आपको पर्टिकुलरली स्टेट काउंसलिंग के अलावा आप CCC की काउंसलिंग के लिए गाइडलाइंस लेना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9139
1970 59, ठीक है, 9399197059 है ये, 59, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 999 रुपीज़ आपका कंसल्टेशन फ़ीस है। इसमें आपको क्या है, पूरा जो है काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नियम है, कानून है, ठीक है, उसके रिलेटेड, चाहे स्टेट हो चाहे डबल ए ट्रिपल सी हो, उससे रिलेटेड इफ पॉसिबल आपके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज जो है मैं सजेस्ट करूँगा उसके लिए काउंसलिंग, और पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जो भी इफ पॉसिबल आपके हिसाब से आपको जो भी सब्जेक्ट की कॉलेज चाहिए उसके लिए मैं पूरा गाइड कर सकूँ, ठीक है। और अगेन मैं बोलूँगा, आप लोग कॉल करोगे तो मैं अटेंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अननोन नंबर मैं अटेंड नहीं करता हूँ। आप व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। आप मैसेज करोगे, जैसे ही कंसल्टेशन आपको फ़ीस पे करोगे उसके बाद मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा और आपके जो भी क्यूरीज हैं उनके जवाब दूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना सही रहेगा क्या करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये चीज़ पता ही नहीं रहता कि कैसे काउंसलिंग कराना है कैसे नहीं कराना है, ठीक है। और उनके उसके कारण उनका नंबर अच्छा होने के बावजूद उनको सीट्स अलॉट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आप जो है अगर चाहते हो तो काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो मेरे से, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।